और ये कार्यालय है, देख सकते हो यहाँ कार्यालय है, कार्यकर्ता लोग यहाँ आके काम करते हैं। और इधर शिव महापुराण कथा का बैनर लगा हुआ है, पोस्टर देख सकते हो काफी बड़ा। रास्ते में हम जाने वाले हैं तो चलो आगे। आप देख सकते हो फैन, इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे गनौत, जहाँ प्रदीप मिश्रा जी का पंडाल हुआ है। और हम सामने में पहुंच चुके हैं गेट के पास, और अंदर चलो हम सीधा पंडाल अंदर तरफ चलते हैं, आगे आप लोग को वीडियो दिखाते रहेंगे। ये पहला गेट है और यहाँ से हम जाएंगे तो आगे देखो, और हम पूरा वीडियो आप लोग को दिखाते रहेंगे। और ये देखो तो यहाँ से पूरा चालू है कथा पंडाल। तो फिर हम पहुँच चुके हैं गनौत कथा पंडाल, आप देख सकते हो मेरे पीछे में कथा पंडाल। और चलो हम पंडाल तरफ चलते हैं और आगे हम आप लोग को दिखाते रहेंगे, वीडियो में बने रहो। देख सकते हो शिव महापुराण कथा, चंपेश्वर नाथ की पावन धारा, ग्राम गनौत पखाहर देही नवा रायपुर में 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 तक प्रदीप मिश्रा। आप देख सकते हो यहाँ से पंडाल चालू हो जाता है, देख सकते हो। और देख सकते हो बाइक कार, देख सकते हो पूरा आप लोग को पूरा देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये पुलिस वालों काफ़ी आए हैं वो हैं, और देख सकते हो काफ़ी पुलिस है, लेडीज जेंट्स सब पुलिस है, देख सकते हो। और हम पहुंच चुके हैं कथा पंडाल के अंदर में, देख सकते हो। और कल से चालू हो जाएगा कथा, शिव महापुराण कथा कल से चालू हो जाएगा। और बड़ा सा एलईडी लगा हुआ है, देख सकते हो। आप देख सकते हो काफी पब्लिक लोग बैठे हुए हैं पहले से। देख सकते हो ये पहले से एक दिन पहले आ गए हैं और यहाँ बैठे हैं कथा, शिव महापुराण कथा सुनने के लिए, देख सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ शिव पुराण कथा सुनाएंगे प्रदीप मिश्रा पंडित, देख सकते हो। और पंडाल काफी खूबसूरत बनाया गया है हर बार की तरह, इधर देख सकते हो दरी उरी सब बिछाया गया है। और यहाँ विराजमान होंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी, देख सकते हो यहाँ बैठ कर कथा सुनाया जाएगा। और काफी कुछ 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 बचा हुआ है तैयारी, तो उसको तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हो। और इधर देख सकते हो इधर पूरा पब्लिक काफी बड़ा बनाया गया है, जगह भी काफी खूबसूरत है, देख सकते हो। और कुछ काम चल रहा है, देख सकते हो इधर सब ऊपर में चढ़े हैं, देख सकते हो भैया जी। तो देख सकते हो ये पूरा दरी उरी बिछाया गया है, और इधर भी देख सकते हो काफी लोग आए हुए हैं, और इधर पूरा एलईडी लगा हुआ है और कल से चालू हो जाएगा। और इधर भी कुछ पंडाल सजाया गया है जो आके यहाँ बैठेंगे, देख सकते हो। इधर पूरा पब्लिक के लिए ये अलग से बनाया गया है, और इधर जो पब्लिक लोग आए हैं तो पहले से बैठे हुए हैं, देख सकते हो पूरा। और कल से काफ़ी भीड़ हो जाएगा, सब पब्लिक आ जाएंगे, कल से कथा चालू हो जाएगा, शिव महापुराण कथा कल से चालू हो जाएगा। तो 12 तारीख से चालू हो जाएगा, देख सकते हो। और काफ़ी अभी आज से काफ़ी पुलिस फोर्स लोग भी आए हुए हैं, ट्रैफिक वाले भी आए हुए हैं, और पूरा तैयारी चल रहा है, देख सकते हो। कथा पंडाल का कुछ बचा है, कल आज रात तक कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड आगे हम आप लोग को दिखाते रहेंगे। ये देख सकते हो बड़ा सा एलईडी लगा हुआ है, बॉक्स लगा हुआ है, कम से कम 10-11 एलईडी लगा हुआ है, काफी बड़ा बड़ा है, देख सकते हो। 12 तारीख से चालू हो जाएगा, अब देख सकते हो पूरा तैयारी चालू है अभी।
और ये सामने का नज़ारा देख सकते हो, पूरा हरा भरा है, पूरा घास उगा है, देख सकते हो पूरा हरा भरा लगेगा। और इधर चलते हैं और काफ़ी पुलिस वाले भी आए हैं, चलो उधर हम आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। ट्रैफिक वाले भी काफ़ी आए हैं, सब सुरक्षा के लिए आए हुए हैं। ये देख सकते हो काफ़ी पुलिस वाले आए हुए हैं और ये पता नहीं कुछ सोल्यूशन कर रहे हैं। इधर ट्रैफिक वाले भी हैं देख सकते हो, और पुलिस वाले काफी लग रहे हैं ज्यादा, और ट्रैफिक वाले कम आए हुए हैं। तो देख सकते हो पब्लिक व्यू, ये शुभ महाप्राण कथा का आप देख सकते हो। ये पूरा देख सकते हो पूरा बाइक वगैरह का यहाँ स्टैंड रखा गया है, और इधर पूरा कुछ सामान इधर रखा गया है सजाने के लिए। और इधर ये सामने का पूरा नज़ारा है यहाँ का देख सकते हो, और बाइक कार का काफ़ी यहाँ भीड़ है देख सकते हो, पार्किंग जैसा सुविधा है। तो फिर गनौज शिव महापुराण कथा प्रदीप मिश्रा जी का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। शिव महापुराण कथा कनौज।